10,000 साल पहले एक पागल साइंटिस्ट था जिसको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था। वो एक दिन एक पिरामिड में पहुंच गया और फैरो को जिंदा कर दिया। फैरो के साथ साथ बहुत सारे ममीज को जिंदा कर दिया और उस साइंटिस्ट के पागलपन ने पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया। बहुत कम जानवर बचे और बहुत कम लोग बचे, उसमें से एक मैं भी हूँ, तो मुझे भी सर्वाइव करना है यहाँ पर 100 डेज। यहाँ पे आप जिस भी डायरेक्शन में जाओगे आपको सिर्फ रेत, रेगिस्तान और बंजर जमीन मिलेगी। ज्यादातर चीजें यहाँ पर खराब हो चुकी है सिवाय कुछ चीजों के। एंशियन इजिप्ट में ममीज का राज है, तो यहाँ पर कोई भी चीजें अच्छी तो मिलने वाली है नहीं। यहाँ पे कुछ जानवर बचे जैसे कि ऊंट, और पानी के बहुत कम सोर्स है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम, आपको ना के बराबर पानी मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो वो आपके लिए सफिशियंट है, वो जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको एंशियंट विलेजेस मिलेंगे और विलेजर्स मिलेंगे। एंशियंट इजिप्ट के विलेजेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, विलेजेस नहीं टाउन भी बोल सकते हैं हम इन्हें, पर इन्होंने एक समझौता किया बारबेरियन और बैंडिट वॉरलॉर्ड के साथ में, इसके कारण ये लोग सेफ है। बारबेरियन कौन है? ये जो गैंग बनाकर तलवार पकड़ के चलते हैं, अपने साथ लीडर को रखते हैं। इनके साथ एक असेशन होता है, ये तभी उसको बुलाता है जब हमारा मर्डर करना हो। ये एक सीरियल किलर है और अपने साथ में पॉइजन रखता है हमको मारने के लिए। इनका लीडर है बैंडिट वॉरलॉर्ड। इसके साथ में हमें फेरोस को मारना है, वो भी दो दो साइंटिस्ट के साथ, और एक जेंटलमैन को मारना है, ये भाई था। यहाँ पे बहुत सारी यूनिक और डेंजरस स्ट्रक्चर्स है जैसे ये पिरामिड और जिराफ टोम्ब। खैर ये सब तो कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा बेस बनाना है और बहुत ही अच्छी आर्मी बनानी है अपनी वॉरलॉर्ड की आर्मी से लड़ने के लिए। तो क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा, वो तो बात की बात है, वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन जो भी चैनल पर नया, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक है मैं ओनली वन, और सब्सक्राइब आप अभी भी कर सकते हो वीडियो पूरा देखने के बाद, जब आपको अच्छा लगे तब भी कर सकते हो। और थैंक यू टू फ्लिक एम्पायर फॉर क्रिएटिंग दिस मॉड, आप उसका चैनल भी चेकआउट कर सकते हो मेरे वीडियो के बाद, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डे वन को शुरुआत होती है मेरी एक रेत के पहाड़ पे सूरज के सामने। ठीक नीचे मेरे एक ऊंट था और वो तो हॉस्टाइल नहीं है, मुझे पक्का पता था, लेकिन आसपास और भी बंदे हैं बारबेरियंस के। मुझे पहले पता नहीं था वो हॉस्टल है कि नहीं, तो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा हॉस्टल है कि नहीं। उससे पहले मैं एक पेड़ तोड़ लेता हूँ, तो पेड़ तोड़ने के पहले मेरे को पता था कि यहाँ पे और कुछ चीज़ें भी हो सकती है, तो मुझे बच के पेड़ तोड़ना था। और ये पेड़ एकदम सेटिस्फाइंग तरीके से टूट रहा था, लेकिन उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल जाता है और भाई ये डैमेज कुछ ज़्यादा दे रहा था, ये मुझे मार देता और इसके हाथों तो मैं मरना नहीं चाहता था। लेकिन अभी अभी मेरे ऊपर एक तीर चला था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे जाऊँ, इन लोगों ने मुझे घेर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो मुझे जाना था। तो मैं नॉर्थ के डायरेक्शन में जाता हूँ और मेरा उनसे तो पीछा छूट जाता है, लेकिन और कोई बंदे मेरे पीछे पड़ जाते हैं, साथ में एक डेजर्ट वुल्फ भी। लेकिन उनसे मैं बच के निकल लेता हूँ और पहुँच जाता हूँ एक सुनसान से जगह पे। यहाँ पे कोई भी नहीं था, मुझे पता था ये लोग मेरा पीछा करते करते आ जाएंगे, लेकिन मुझे सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज मिलता है, और वो विलेज सही में बहुत ही अच्छा है। दोनों तरफ उसके लेक हैं, छोटे से लेक हैं, एक तरफ पहाड़ है और बीच में एक छोटा सा विलेज है, छोटा नहीं एक्चुअली में बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ा विलेज है। ये विलेज की वजह से मैं बच पाया जिंदा, और ये विलेज की वजह से मैं 100 डेज सर्वाइव भी कर पाऊंगा। यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मुझे बहुत सी अच्छी चीज़ें मिल सकती है अगर मैं अच्छे से ढूंढ पाऊँ तो वॉरलॉर्ड के आदमियों से बचने के लिए मैं आराम से पानी के अंदर जाता हूँ और पानी के नीचे से निकल लेता हूँ विलेज की अगली साइड में। यहाँ पे भी वो लोग मेरा पीछा करते हैं, पर मैं घर के अंदर घुस जाता हूँ और फर्स्ट टाइम मैं एक क्रेट खोल के देखता हूँ। ये क्रेट के अंदर क्या मिलेगा मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं क्रेट खोलता हूँ तो एक आर्मर मिल जाता है मुझे, जो कि एक चेस्ट प्लेट था और ये वाला तो बिल्कुल भी खाली था। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आउटसाइड वाला घर है, इस वाले विलेज में बहुत ही बड़े बड़े घर है और इस विलेज के टाउन हॉल पर भी जाना है मुझे। लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोल के देखता हूँ तो वॉरलॉर्ड के आदमी बाहर ही खड़े थे और मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए, शायद कोई विलेजर ने आकर मेरे बारे में बता दिया होगा। खैर ये वाले घर में घुसता हूँ मैं, और ये थोड़ा सा अलग सा घर था, और एक्चुअली में घर नहीं था, किसी का वर्क स्टेशन था, पर छुपने के लिए थोड़ी सी बढ़िया जगह थी पर बीचों बीच थी, तो यहाँ से मुझे निकलना था जैसे कि ये पागल मेरे पीछे पड़ चुका था। भाई पता नहीं इन लोगों को किस बात की मेरे से खुन्नस है, जो भी देखता है मेरे पीछे पड़ जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलती है जो मुझे समझ नहीं रहा था क्या है, पर ये नींबू टॉर्च बहुत ही काम का है। यहाँ पे बहुत सारे डेट्स मिलते हैं मुझे और मेरा अचीवमेंट कंप्लीट हो जाता है, 8th डेट। खैर ये वाले घर से मैं भागता हूँ जान बचा के अपनी, और ये वाले अलग से घर में पहुँचता हूँ क्योंकि इसमें बाउंड्री वॉल भी थी, तो ये घर मुझे सेफ लगा। और ये घर पर कोई सोया भी नहीं था, मतलब कोई मेरी चुगली भी नहीं कर सकता बारबेरियंस के सामने। खैर मुझे एक हेलमेट मिल जाता है यहाँ से, लेकिन मुझे लगता है कोई आदमी खड़ा है बाहर, लेकिन ये तो भूत था, मतलब रात के समय यहाँ पे भूत भी घूमते हैं, और शायद इसी ने विलेजर को मार दिया होगा। खैर मैं इसको मार देता हूँ और कम से कम मेरी जान तो बची। भाई मैंने आपको जैसे बताया था बहुत ही कार्टून लोग रहते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर झगड़ा भी चालू है और अगला दिन भी शुरू हो जाता है। मैं दूसरे घरों में जाता हूँ और ये वाले विलेजर से बात करता हूँ मैं, और इस विलेजर से मुझे पता चलता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। खैर बारबेरियन के लोग आजू बाजू नहीं है, तो मैं फटाफट से जितने हो सकते घर लूट लेता हूँ, और मुझे बहुत सारे फर्नेस मिलते हैं और बहुत सारी काम की चीज़ें मिलती है। जो वाले घर से मैंने बात किया था विलेजर से, उस घर में मैं एक टनल खोदता हूँ,
क्योंकि मुझे माइन करना था और ये आइटम फिर आ जाता है। तो मुझे कुछ बोन ब्लॉक मिलते हैं। अब पता नहीं मैं इसका क्या करूँगा, लेकिन मुझे एक डेजर्ट वुल्फ मिला था, क्या पता मैं उसे टेम कर सकूँ, पर मैं अभी तो टेम नहीं करने वाला क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे कोल मिलते हैं, सैंडस्टोन वाले कोल, मतलब ये एक्चुअली में ये एरिया पूरा सैंड का बन चुका है, इतनी बुरी हालत हो गई है। एक केव मिलता है मुझे जिसमें आयरन मिल जाता है मुझे, और इस जगह से मैं बहुत सारे कोल और आयरन इकट्ठा करके अपने ऊपर बेस में वापस पहुंच जाता हूँ। माइन करते करते मुझे एक नूमाइट करके चीज़ मिलती है। अब मुझे पता नहीं इसका क्या काम होने वाला है, लेकिन कुछ देर बाद एक जेंटलमैन आता है मेरे तरफ और मैं समझ चुका था ये मुझे मारने आने वाला है, क्योंकि ये स्टोन गार्ड है, यहाँ की रक्षा करता है केव्स की। और मैंने सोचा ये मेरे लिए भी तो काम कर सकता है, पर वो मेरी गलतफहमी थी। तो ये मेरे ऊपर अटैक करता है और इसका अटैक बहुत ज़्यादा था और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी, तो मैं कैसे कैसे करके इसको मारता हूँ और इससे वही चीज़ मिलती है जो मैंने माइन किया। तो मैं समझ चुका था ये जेंटलमैन मेरे तरफ से लड़ सकता है इन लोगों से, क्योंकि ये बहुत ताकतवर था। तो जितनी भी आयरन मेरे पास में थे उसे मैं स्मेल्ट करता हूँ और अपने लिए एक अच्छा सा आर्मर बना लेता हूँ और एक शील्ड बना लेता हूँ और बाकी सारे टूल्स बना लेता हूँ, और मैं निकल जाता हूँ बाहर, क्योंकि अब मैं लड़ तो सकता हूँ इनसे, पर मैं इसे अभी नहीं लड़ने वाला क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, खास करके इनका लीडर। और अगर इनके लीडर ने साइको किलर को मेरे पीछे लगा दिया ना, तो मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊंगा, मुझे मार के छोड़ेगा। खैर मैं इनके ऊपर एम लेता हूँ पर वो एम लग नहीं रहते, तो मुझे इस घर से निकलना था कैसे ना कैसे। तो मैं ऊपर की तरफ माइन करता हूँ और निकल जाता हूँ इस वाले घर से। इन लोगों को कैसे कैसे मारता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एरो मिल चुके थे मुझे। इनको मारने के बाद मैं इनके एरोस और बाकी चीज़ें मैं लूट लेता हूँ, जैसे कि आयरन टाइगर जो मुझे मारने के लिए यूज़ आते हैं इन्हें, और इन्हें बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है, तो मैं सारी चीज़ें लूट के निकल लेता हूँ। रात को मैं भटक ही रहा था तो एक बारबेरियन मेरे पीछे पड़ता है और मैं टाउन हॉल में पहुँच जाता हूँ। यहाँ के टाउन हॉल में बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि कॉइन्स, और जब मैं चेस्ट लूटता हूँ तो चेस्ट में तो बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। मैं पहले से ये गोल्डन ब्रेसलेट पहन लेता हूँ और गोल्डन रिंग। ये करते करते मेरे 6 दिन निकल गया, मतलब मुझे पता भी नहीं चला कैसे कैसे मैं सर्वाइव कर रहा था, मुझे समझ भी नहीं रहा था। एक मैप मिलता है मुझे जो सच बताओ आपको कहीं खो गया था, और एक आयरन क्लब मिलता है। ये आयरन क्लब बहुत ही खतरनाक था क्योंकि इसका अटैक डैमेज 16 था, पर स्पीड नहीं थी इसकी, पर ये बारबेरियन और बैंडिट को मारने में मुझे काम आएंगे। मैं एक ऊँट को टेम कर लेता हूँ और मुझे सैडल मिल चुका था, तो मैं उसके ऊपर बैठ के राइड करता हूँ और मैं एक रूइन में पहुँच जाता हूँ। ये हेडक्वार्टर नहीं था उनका, इसलिए इतना खतरनाक नहीं है। हेडक्वार्टर में हमेशा बैंडिट वॉरलॉर्ड होता है, वॉरलॉर्ड बहुत ही खतरनाक है जैसे कि मैंने आपको बताया, पर यहाँ के लोग भी कुछ कम खतरनाक नहीं थे, इनके पास में आर्चर से लेके सर्जन तक सब थे। और ये एरिया को मैं अच्छे से कवर कर लेता हूँ क्योंकि कोई भी गैप से ये लोग आ सकते थे और मार सकते थे मुझे। तो मैं इनके पूरे के पूरे एरिया को लूट लेता हूँ, बहुत सी अच्छी लूट मिलती है मुझे, पर मैं ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। 1 से 2 दिन लग गए मुझे लूटने में, और यहाँ से मैं निकल लेता हूँ सब कुछ लूट के। विलेज में वापस से पहुँचता हूँ मैं, और विलेज के ठीक बाजू में एक पहाड़ था छोटा सा, जहाँ पे मुझे अपना बेस बनाना था। बेस ऐसा होने वाला है जहाँ पे ये लोग अंदर ना घुस पाए, और अंदर मेरे सोल्जर होंगे, अगर घुस भी गए तो ये लोग मरना ज़रूरी है इनको। बहुत सारे लाइमस्टोन ब्रिक्स बना लेता हूँ मैं, जो मजबूत भी है और दिखने में अच्छे भी होते हैं। तो अगले दिन मैं उठता हूँ और काम पे लग जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वॉरलॉर्ड के लोग थे जो शायद मारने का इंतज़ार कर रहे थे मुझे, तो मुझे बच बच के काम करना पड़ेगा। वो जो आगे आपको पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ अपना बेस। उसके लिए मुझे 2 काम करने हैं, सबसे पहले ये एरिया को फ्लैट करना है, और उसके बाद मुझे वॉल बनाने। अगर मैंने वॉल बना दिया तो ये लोग मेरे वॉल के अंदर नहीं घुस पाएंगे, और वॉल के अंदर मुझे सोल्जर स्पॉन करने थे, तो सोल्जर मैं तभी स्पॉन कर पाऊंगा जब मैं वॉल बनाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ। ये लोग फिर मेरे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कैसे ना कैसे मैं इनको मार देता हूँ। ये हमेशा 4 से 5 की गैंग में होते हैं, जो लीडर सबसे ताकतवर होता है, और जो एक आंख वाला आपको दिख रहा है वो सेकंड ताकतवर होता है, और जो आर्चर आपको दिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन दूर से आपको सबसे ज्यादा वही मारेंगे। पूरे 2 दिन टाइम पास करके मैं अपने वॉल बना ही लेता हूँ। अगर मैं 2 ब्लॉक के हाइट के वॉल बना दिया तो ये लोग खुद के नहीं आ सकते, सिवाय वो सीरियल किलर के और बाकी खतरनाक मॉन्स्टर के जो अभी तक आपने देखे नहीं हो। खैर डे 12 को आखिरकार मैं अपने पूरे के पूरे वॉल बना ही लेता हूँ और लग जाता हूँ माइनिंग के तरफ। माइनिंग मैं इसलिए भी कर रहा था क्योंकि माइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे डायमंड के आर्मर चाहिए थे और डायमंड के टूल चाहिए थे, लेकिन एकदम से ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ हो जाती है मेरे साथ। बिना मुंडी का स्टोन गार्ड देखता है मुझे, जो इस केव की रक्षा कर रहा था, और क्योंकि मैं डायमंड यहाँ से चोर के जा रहा हूँ तो ये मुझे मारेगा, ये तो 100% था। पर यार बिना मुंडी का ये कैसे देख भी कैसे सकता है, खैर कोई बात नहीं। तो मैं समझ चुका था ये भाई अपने लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये है इतना खतरनाक। जब इसकी मुंडी नहीं है तो मुझे इतना डैमेज दे सकता है, तो मुंडी के साथ तो ये बहुत ही कुछ कर सकता है। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारा डायमंड लेके मैं अपने घर वापस पहुंच जाता हूँ, और अपने सारे सामान को मैं लेके जाता हूँ अपने बेस में वापस। अभी तक मैंने घर तो नहीं बनाया, लेकिन मेरा कंपाउंड वॉल बन चुका है, मतलब मैं अब जिंदा तो रह सकता हूँ। तो मैं सारा सामान अपने बेस में वापस लेके जाता हूँ और स्पॉन करता हूँ स्टोन गार्ड्स को। पहले सारे सामान को मैं अच्छे से रख देता हूँ, और जो नूमाइट ब्लॉक है उनसे मुझे हेड बनाना है और ब्लॉक्स बनाने हैं, जिसको मुझे इस टाइप से रखना है और बन जाएंगे स्टोन गार्ड। मुझे ये पता था स्टोन गार्ड भी बनते हैं, लेकिन मैंने इनको आर्मर दे दिया, और आर्मर देने के बाद में ये हमारा कैप्टन था। कैप्टन बहुत ही खतरनाक था, इसके हाथ में मैंने एक हथियार भी दे दिया था और इसे फुल सेट का आर्मर दे दिया, मतलब ये किसी को भी मार सकता है अभी। तो मैं पूरे के पूरे टूल्स बनाता हूँ
और सारी चीज़ें पहन लेता हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे भी तो अब अच्छा बनना है। डायमंड की चीज़ें मैं इनको दे नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास इतने डायमंड थे नहीं, लेकिन तभी मेरे दिमाग की बत्ती चलती है और मैं सोचता हूँ अगर हम स्टोन गार्ड इस तरीके से बना सकते हैं तो स्टोन गोलम भी बना सकते हैं, जिसे स्टोन वार्डन बोलते हैं। और स्टोन वार्डन में इतना ताकत है कि वो 10 आयरन गोलम को एक साथ मार सकता है, तो आप समझ लो कितना ताकत होगा इसे। इसको हथियार की भी ज़रूरत नहीं है। खैर, अभी तक मेरे आर्मी में 3 लोग हो चुके थे, एक कैप्टन, एक सोल्जर और एक वार्डन। वार्डन तो आर्मी में भी नहीं होता है क्योंकि वो वन मैन आर्मी है, बहुत ही खतरनाक है। तो मैं टावर कंप्लीट कर देता हूँ और 2 दिन लग गए मुझे टावर बनाने में सिर्फ, क्योंकि ये बार बार मुझे परेशान कर रहे थे। तो मैं इनको अंदर लाता हूँ और गोलम और स्टोन वार्डन के हाथों इनको पिटवाता हूँ। ये जो लड़ाई हुई छोटी मोटी, उसमें मेरा एक भी बंदा नहीं मरा, मतलब एक बंदे ने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया और मेरा एक भी बंदा नहीं मरा और उनके सारे बंदे मर गए। मतलब कितने ताकतवर है ये लोग, मेरे लिए हमेशा काम करते रहेंगे। पर ये बात नहीं कि मैं इनको मार सकता हूँ, मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना टावर कंप्लीट कर देता हूँ और देखता हूँ तो मौसम चेंज भी हो जाता है। और ये मौसम में एक खतरे वाली बात है कि जितने भी वॉरलॉर्ड के लोग हैं इसमें ज़्यादा आते हैं हमारे तरफ मारने के लिए हमें। तो डे 21 की रात को प्राइवेट माइंड का गेट कंप्लीट कर देता हूँ मैं और प्राइवेट माइंड भी बन जाता है और अच्छे से गेट में लगा देता हूँ अपने एंट्रेंस में। हमारा कंपाउंड वॉल और हमारे जितने भी टावर्स थे कंप्लीट हो चुके हैं। डे 22 को मेरे खाने की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, मतलब मुझे खाने की तलाश करने के लिए बाहर जाना था। और मुझे एक चीज़ पता था, फर्टाइल सॉइल मेरे कुछ तो काम आने वाला है, पर मुझे और भी कुछ अलग चीज़ें मिल जाती है इससे। पर मुझे बाद में पता चला कि इसको कंबाइन करके फर्टाइल सॉइल हम बना सकते हैं। और ये पेड़ में मुझे एक खजूर लटका हुआ दिखता है जिसे हम डेट बोलते हैं, तो ये डेट को मैं तोड़ लेता हूँ और अब जाके मुझे खाने की चीज़ मिले पूरे एक दिन बाद। तो मैं फर्टाइल सॉइल को लेके आता हूँ अपने घर पे, उसको कंबाइन करके मैं फर्टाइल सॉइल बनाता हूँ और मैं लगा देता हूँ अपने घर पे। इसको पानी की ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ बिना पानी के काम नहीं करने वाली है। ये इतनी बेकार ज़मीन और बंजर ज़मीन है कि पानी चाहिए ही हमें। तो अब जाके मैं खुद के क्रॉप्स उगा सकता हूँ, तो मैं पूरे फार्मिंग कर लेता हूँ और जितना हो सकता है मैं फर्टाइल सॉइल को यूज़ करता हूँ। और मेरे पास में कुछ सीड्स थे, ये एमर सीड्स हैं जो मेरे काम आने वाले एमर ब्रेड बनाने के लिए। लेकिन ब्रेड बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे मुझे एक पाम ट्री का सैपलिंग मिलता है, तो मैं ऐसे ही लगा देता हूँ उसे और एक विलेजर को लूटने के लिए आ जाता हूँ मैं। मेरे क्रॉप्स को उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मेरे पास बोन मिल भी नहीं था, तो मैं इसी के क्रॉप्स उठा के भाग जाता हूँ यहाँ से। और ये मेरे पीछे पड़ चुके थे फिर से, मैंने आपको जैसे कि बताया ये कहीं भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं एक कॉर्न बना लेता हूँ जिसे हम आटा चक्की बोलते हैं और इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी ब्रेड बनाने के लिए। तो मैं इसे कॉर्न को साइड में रख देता हूँ और कॉर्न को मुझे बहुत ज़्यादा चलाना है, मतलब एमर के जो ईयर है, एमर सीड जब ग्रो हो जाते हैं उससे हमें एमर ईयर मिलते हैं, तो हमें इसे गोल गोल घुमाना है और इतने देर तक घुमाना तब जाके मुझे एक फ्लावर मिलेगा। और फ्लावर को मुझे पानी से भिगाना है तब जाके मुझे डो मिलेगा और डो को फिर पकाना है, फिर जाके मुझे ब्रेड मिलेगा। भाई बहुत ही लंबा प्रोसेस है लेकिन हम करेंगे, टेंशन मत लो। और इतने देर बाद मैं एक ब्रेड को पका पाता हूँ और एक ब्रेड खा के भाई मेरा पेट एकदम शांत हो गया। खैर रात के रात को मैं निकलता हूँ, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ पे एक शुगर केन जैसी चीज़ मिलती है जिसका काम मुझे सही में नहीं पता क्या है, पर मैं लेके चले जाता हूँ इसे। पर मेरे पीछे कुछ लोग भी पड़ जाते हैं, पर मैं बच के आ जाता हूँ उनसे और बहुत सारे ब्रेड बना लेता हूँ। अब मेरे पास ब्रेड की कमी नहीं होने वाली है, पर मुझे लगा मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है, तो मैं निकल लेता हूँ हड्डियाँ लेके बाहर। और मुझे एक वुल्फ को टेम करना था, डेजर्ट वुल्फ को, जो हॉस्टाइल होता है, हमें देखते से ही मारता है, उसकी आंखें भी लाल है। अब क्या पता है सक्सेसफुल होगा कि नहीं, पर मैं क्रॉप चोरना तो छोड़ूंगा नहीं क्योंकि यार मेरे पास में खाने के सोर्स और कुछ है नहीं। मैं इस वाले विलेजर को मार के भगा देता हूँ और ये बेचारे भाग जाते हैं। और इस वाले वुल्फ को मैं आखिरकार टेम कर ही लेता हूँ, मेरी जान जाते जाते बची। पर पीछे से बंदे और आ रहे थे, पर मेरा वुल्फ इस बार इनको मार देगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दम है। तो मैं इस वुल्फ को लेकर घर पहुँच जाता हूँ अपना। अब ये वुल्फ ने अपना डॉग बन गया और इस डॉग का नाम आप लोग रखोगे, जिसका भी कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसी कमेंट के नाम को मैं वुल्फ का नाम रख दूंगा। तो मैं अपने डॉगी को शाम होते होते अपने घर तक ला लेता हूँ, क्या पता इसको कोई मार दे। मुझे लगा ये वार्डन इसको मारने वाला है, लेकिन नहीं, ये वार्डन हमारे साथ में ही है और वुल्फ भी हमारे साथ में है, तो वार्डन समझदार था, समझ गया। खैर कोई बात नहीं, जैसे मैं वुल्फ को लाता हूँ शायद ये लोग पगला जाते हैं, ये लोग मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं उखाड़ सकते मेरा, क्योंकि मेरी आर्मी में अभी कौन कौन लोग हैं इन्हें पता नहीं है, इनको लगा मैं अकेला हूँ। लेकिन जैसे ही वार्डन इनको मारता है तो एक पाम ट्री भी उग जाता है, यार मतलब अच्छी बात है, वार्डन लगता चमत्कारी है। और वार्डन से अच्छा काम तो हमारे स्टोन गार्ड कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में हथियार दिया हूँ मैंने और वो फास्ट भी है। लेकिन मैंने एक चीज़ सोचा कि मुझे लावा की ज़रूरत है। लावा की ज़रूरत क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे एक ट्रैप बनाना है अपने घर के सामने। ये लोग पता नहीं मेरे घर के दरवाजे के सामने पहुँच जाते हैं, तो इनको दरवाजे में रोकना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे एक लावा का ट्रैप बनाता हूँ, यहाँ पे एक गड्ढा खोदता हूँ मैं जिसमें एक लावा रख देता हूँ मैं बहुत सारे, और ट्रैप डोर रख देता हूँ। अब ट्रैप डोर से ये पगले लोग आएंगे मुझे मारने के लिए, पर खुद ही गिर के मर जाएंगे, इससे मेरा बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये पता नहीं घर के सामने आके शोर करना चालू करते हैं, तो एक नमूना आ जाता है इनका लीडर, और लीडर है तो इनके साथ में इनके नमूने और आने वाले हैं। और बेचारा कोई भी बंदा आता है मर जाता है, पर मुझे अपने दरवाजे को बंद करके रखना ताकि स्टोन गार्ड ना मर जाए। स्टोन गार्ड को लावा से कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे मालूम है ये चीज़, पर फिर भी ये लोग मर सकते हैं।
बाकी लोग अगर मारे इन्हें तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इस लावा पिट को और बड़ा कर देता हूँ, तो कैसा लगा आपको मेरा 69 IQ? लेकिन एक्चुअली में कॉमन सेंस है, ये लोग तो मरेंगे ना आके। तो मैं पाम ट्री को तोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, और बहुत सी चीज़ें मैं इकट्ठा कर लेता हूँ क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूँ अपना घर, और घर बहुत ही प्यारा होने वाला है डेजर्ट थीम का, और कैमल के लिए भी एक छोटा सा एरिया बना लेंगे हम लोग, बेचारे यही भी भटकते रहता है अपना कैमल। ये मेंशन और एक बढ़िया सा घर, आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको बनाने में 6 दिन लग गए मुझे क्योंकि मुझे डेजर्ट थीम में बनाना था, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा करने में टाइम भी लगता है। यहाँ पे मैं अपने कैमल के लिए एक छोटा सा एरिया बना लेता हूँ जहाँ पे बेचारा बैठेगा अपना, बहुत सारे फ्लावर इकट्ठा करता हूँ, और एक और कैमल था जो मरने वाला था जिसकी जान बचाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं निकल लेता हूँ ये डो बनाने के लिए क्योंकि ये फ्लावर थे, इनको डो बनाना ज़रूरी है, और एकदम से मौसम चेंज होता है और जो दो दो असेशन मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मतलब जो साइको किलर है जो मैंने आपको बताया था, मेरे पीछे पीछे पड़ जाते हैं। इनको मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इनको मारेंगे मेरे स्टोन गार्ड और स्टोन वार्डन, तो ये पागल हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, ये बंदा दीवार से चढ़ के आ जाता है मेरे बेस में, मतलब मैंने आपको बताया ना ये बहुत ही साइको है, ये पागल है, कुछ भी कर सकता है हमें मारने के लिए, पर बेचारा अटक जाता है हमें मारने के पहले ही, तो इसको मैं इजीली मार देता हूँ। और इसमें हेल्थ भी कुछ ज़्यादा ही यार, मेरे हाथ में जो चीज़ है उसका अटैक डैमेज 16 है, फिर भी इसको मारने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। खैर अब मेरे पास में बहुत सारा फूड सोर्स था, तो मैं निकल लेता हूँ एक पिरामिड को ढूंढने के लिए। पिरामिड में ममीज मिलते हैं, फेरोस मिलते हैं, तो उन्हें मारना भी ज़रूरी है, तो मैं पिरामिड की खोज में निकल लेता हूँ। और ये जगह बद से बदतर हो रही थी, बहुत बेकार हो गई थी ये जगह, यहाँ का मौसम भी बर्बाद हो चुका था। तो मुझे एक पिरामिड मिल जाता है और पिरामिड के अंदर मैं जाऊँगा, लेकिन मैं बहुत सारे एकदम रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चलता है नींबू टॉर्चेस लगाने हैं मुझे। अंदर से बहुत सारे ममीज भाग के आते हैं और ये थोड़े से बहुत ही खतरनाक थे, थोड़े से नहीं, इनको मैं कैसे कैसे मारता हूँ, इनका स्पॉनर तोड़ता हूँ और यहाँ पे पूरे टॉर्चेस से मैं इसको लाइट अप कर देता हूँ ताकि और कोई स्पॉन ना हो जाए यहाँ पर। और जैसे मैं चेस्ट चेक करता हूँ मेरी लॉटरी लग जाती है, एक टोटम ऑफ अनडाइंग मिल जाता है, मतलब कम से कम मुझे एक ज़िंदगी तो और मिल जाती है। एक और चेस्ट चेक करता हूँ, उसमें थोड़े बहुत सामान थे अच्छे खासे, और जब मैं ये वाला चेस्ट चेक करता हूँ इसमें पता नहीं क्या खतरनाक चीज़ थी और एक बहुत ही डेंजर वो था, मतलब यार मैं सबसे पावरफुल बन सकता हूँ अभी कम से कम, तो फेरों को तो मार ही सकता हूँ मैं। तो मैं अपने बेस में वापस आता हूँ क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं था, मुझे अपने एनचेंटिंग भी कंप्लीट करनी थी, तो मैं अपने बेस में वापस आता हूँ। और मेरे सारे सोल्जर्स जिंदा थे कम से कम, तो मैं अपने बेस से एक एक्सटेंशन बनाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना वीट फार्म बनाना था। लेकिन ये लीडर आता है, ये लीडर को जैसे मैं मारता हूँ तो मेरे ऊपर पता नहीं ऐसा क्या कर्स आ जाता है कि मेरे पीछे बहुत सारे असेशन पड़ जाते हैं, जो साइको किलर मैंने आपको बताया। इसको मैं अंदर लाता हूँ और मैं लड़ान चाहता था इसको अपने वार्डन के साथ में, लेकिन वार्डन से लड़ता नहीं है, मेरे पीछे पड़ जाता है। तो ये इससे मुझे कोई फ्लावर मिलता है, अरे फ्लावर का मुझे मतलब बताना क्या है। तो थोड़ा बहुत सोचने के बाद में मुझे अपने बेस में कुछ कमी लगी मेरे सोल्जर्स की, एक सोल्जर पता नहीं मेरा कहाँ चले गया, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं बहुत सारे ऐसे सोल्जर बनाता हूँ, बहुत दिन माइनिंग करता हूँ मैं कुमाइट ब्लॉक की, और बहुत सारे वार्डन और सोल्जर बना लेता हूँ। अभी मैं पूरे नहीं बनाने वाला हूँ, अभी बस ये लोग गार्ड करते रहेंगे मेरे बेस को। तो मैं अपने डॉगी को वुल्फ आर्मर देता हूँ क्योंकि भाई अपने डॉगी को सिंपल क्यों रखना, बाकी सबको आर्मर दे चुका हूँ मैं और हथियार दे चुका हूँ। और अपने कैमल को भी दे देता हूँ मैं एक सिल्वर वाला आर्मर जो था आयरन पर दिख रहा था सिल्वर जैसा, इसे मैं शील्ड देता हूँ कैप्टन को, और कैप्टन शील्ड भी पकड़ लेता है, मतलब यार कैप्टन तो ताकतवर होते जा रहा था। मैं एक सर्कल बना तो अपने बेस से निकला हुआ क्योंकि बेस के अंदर जो मेरे एमर फार्म था वो अच्छा नहीं लग रहा था, ये वीट नहीं एक्चुअली में एमर सीड है, एमर सीड इसमें ग्रो होने वाले हैं। तो अभी तो मेरे पास में इतने ही सारे थे तो मैं इतने ही लगा लेता हूँ और निकल लेता हूँ एक एडवेंचर में। एडवेंचर में मुझे चाहिए थे बुक्स, मेरे जो विलेज थे उसमें लाइब्रेरियन थे कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये जो विलेज है यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरियन थे, थोड़े बहुत बुक शेल्फ मिलते हैं और जो ब्लॉक और फेस मुझे वापस से मिलता है, मतलब मैं और भी स्पॉन कर सकता हूँ सोल्जर्स अपने। तो एंशियंट इजिप्ट के विलेज की एक खासियत है कि जितने भी घर होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, और ये घर के बेसमेंट में तो एक बारबेरियन था जिसे मैं जल्दी से निपटाता हूँ। ये लोग मुझे घेर चुके थे तो इसको मारना ज़रूरी था मुझे, क्या पता कोई और अंदर आ जाए। उससे पहले मैं जितने भी बुक शेल्फ है उसे लूट लेता हूँ और रास्ता भटक जाता हूँ मैं, लेकिन मुझे मिल जाता है बैंडिट वॉरलॉर्ड। ये आपके सामने खड़ा है, ये बहुत ही डेंजर है, मतलब इसका जो हिट है इन सबसे ज़्यादा अच्छा है, और मतलब यार मेरे पास में अभी चीज़ें अच्छी है तो मैं इसे लड़ तो सकता हूँ कम से कम,
पर क्या पता यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा पीछा कर ही रहा था बिना रुके। अभी तक के तो कोई भी पीछे छोड़ देता है, लेकिन ये बंदे की स्पीड बहुत ज़्यादा भी थी और ये पीछा कर ही रहा था। और ये अपने साथ में लीडर रखता है और बहुत ही डेंजर है ये बंदा। पर डैमेज देते देते आधे हेल्थ तक मैं वॉरलॉर्ड को ला ही लेता हूँ, लेकिन एकदम से एक चमत्कार होता है। सूरज की किरणें मेरे तरफ पड़ती है और मैं अलग ही ताकतवर फील करता हूँ। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। पर एक हिट मारता हूँ तो बैंडिट वॉरलॉर्ड को क्रिटिकल हिट पड़ता है और इसकी बहुत ही कम हेल्थ बची थी, तो एक हिट का रह गया था ये। तो एक हिट जैसे मैं मारता हूँ तो ख़त्म हो जाता है वॉरलॉर्ड। वॉरलॉर्ड कुछ मरने के बाद देता नहीं है, पर यार एक सेटिस्फेक्शन तो मिलता है कि इसके लीडर को तो मार दिया हमने। ये जो नमूने हमारे घर के आसपास भटकते रहते हैं, इनके मेन लीडर को मार दिए। तो मैं और भी सोल्जर्स बनाने के लिए पूरे नुमाइट ब्लॉक को इकट्ठा करता हूँ और 4-5 दिन तक मैं माइनिंग करता हूँ डायमंड की भी। डायमंड की भी ज़रूरत है हमें, क्योंकि डायमंड की चीज़ें मुझे चाहिए अभी, क्योंकि एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बनाना है मुझे और बहुत सी चीज़ें लगने वाली है मुझे डायमंड के लिए। तो मैं अपने बेस से मेन गेट तक पाथवे बना लेता हूँ और जितनी भी जगह मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ पाथवेज बना लेता हूँ इनके लिए। तो मैं बहुत सारे बुक शेल्फ बना लेता हूँ, कुछ बुक्स अपने पास रखता हूँ और एक एन्चेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ। एन्चेंटिंग टेबल को मैं ऐसे ही ओपन रख रहा हूँ अभी के लिए, बाद में इसे अच्छे से डेकोरेट करूँगा। पर अभी के लिए जितने भी एन्चेंटिंग हो सकती थी मैं करता हूँ और अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट मिल रहे थे मुझे, मतलब कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और ये जेव्स माइट जो मेरे पास में एक हथियार था, इसमें तो शार्पनेस 3 मिल जाता है, और कैसे कैसे कंबाइन करके मैं शार्पनेस की बुक को शार्पनेस 5 तक पहुँचा देता हूँ इसे। और अपने बो को भी ओवरपावर्ड कर देता हूँ मैं, कम से कम अभी फेरों से तो लड़ ही सकता हूँ मैं। लेकिन अगले दिन मैं सुबह उठता हूँ तो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है मेरे साथ में। जो बैंडिट वॉरलॉर्ड था उसका भाई आ जाता है वापस से और अपनी पूरी सेना को लेके आता है। पर मेरा काम था बैंडिट वॉरलॉर्ड को मारना, उसके भाई को मतलब। इस बार तो मैं भगा भगा के नहीं मार सकता हूँ ना इसे, मतलब भाग भाग के। अभी तो मैं ताकतवर हो चुका हूँ तो मैं इसको आराम से अपने बेस के अंदर बुलाता हूँ और बेस के अंदर मैं अपने जितने वार्डन थे और सोल्जर्स थे उनके साथ लड़ने के लिए बोलता हूँ। पर ये मेरे साथ ही भी 1v1 करना चाहता था, तो कोई बात नहीं, इसे आराम से मैं मार देता हूँ। और इसे हिट पड़ रहे थे बट इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। वार्डन यार किसी को भी एक बार में मार देता है, पर इसको मारने में टाइम लग रहा था। लेकिन आखिरी हिट में मारता हूँ क्रिटिकल और ये मर जाता है और इसके सारे के सारे बंदे गायब हो जाते हैं, मतलब बेचारे डर के भाग गए। तो अभी ये आर्मर के साथ में और हथियार के साथ में मैं ओवर पावर्ड हो चुका था, मतलब अब मैं फेरों को मार सकता हूँ। पर फेरों को मारने के लिए मुझे थोड़े बहुत नींबू टॉर्चेस जमा करने पड़ेंगे और मैं अपने डॉगी को बाय बाय बोल देता हूँ, क्योंकि क्या पता हार्ड कोर जर्नी अभी ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जो फेरो होते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ये एक्चुअली में अनडेड होते हैं और ये जब मारते हैं ना तो यार ये बिना रुके मारते हैं। तो इनको मारने के लिए मुझे थोड़े बहुत ट्रिक्स आजमाने थे, तो मैं निकल लेता हूँ और ढूंढ लेता हूँ एक पिरामिड को। ये वाला पिरामिड थोड़ा अलग पिरामिड था, पता नहीं कौन सा पिरामिड था, मुझे समझा नहीं, पर मुझे एक नया वाला पिरामिड मिल जाता है। तो मैं इसके अंदर घुसता हूँ, एंट्रेंस का रास्ता ढूंढता हूँ सबसे पहले, और एंट्रेंस में नींबू टॉर्चेस लगा देता हूँ। अंदर से बहुत सारे ममीज़ भाग के आते हैं, सबसे पहले मैं इनका स्पॉनर तोड़ता हूँ। मेरी हेल्थ बहुत कम थी पर मेरे पास में टोटम ऑफ अनडाइंग था, मतलब मुझे अभी मौत का डर तो है नहीं। तो मैं बाहर निकलता हूँ और बाहर मुझे पता था ये लोग जलने वाले, पहले से मैंने सीढ़ियाँ बना के रखा था भागने के लिए अपनी, और ये लोग मेरे पीछे पीछे आते हैं और मैं इनको ईजिली मार देता हूँ। इन्हें मारने के बाद मैं, जैसे कि आपको पता है, अंदर चेस्ट में बहुत ही ओपी लूट मिलने वाली है मुझे, तो यहाँ पे लाइट अप करता हूँ मैं ताकि स्पॉन ना हो जाए कोई, और यहाँ पे ओपी सी लूट मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। जैसे थोड़े बहुत डेट्स मिलते हैं और रेस्पिरेशन 3 मिलता है जिसका उतना काम नहीं है मुझे। यहाँ पे पता नहीं आइटम क्यों लटका हुआ था। खैर एक और हेलमेट मिलता है मुझे जिसका कोई भी काम नहीं है मुझे। और सेंटर वाला चेस्ट में लूटता हूँ तो मुझे लेग्स मिल जाते रा के। अब ये रा को आना मुझे पता नहीं, पर इसके पूरे आर्मर मुझे मिल सकते थे शायद ये मम्मी को मारने के बाद में, फेरों को मारने के बाद में। तो बिना डर है मैं नीचे कूद जाता हूँ, नीचे कुछ भी हो सकता है भाई, इधर आड़े तीर से लोग मिलते हैं और आपको तो पता ही है। तो पता नहीं यहाँ पे एक ट्रैप था और ट्रैप को बुझाने के लिए मुझे अपने पिकैक्स से राइट क्लिक करना था और ये हो जाता है बंद। ये मैं अपने बेस में भी लगा सकता हूँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा कैसे लगाते हैं। तो पिरामिड के ठीक नीचे बहुत ही बड़ी भूल भुलैया थी। पिरामिड तो बहुत छोटा सा एरिया था, बहुत ज़्यादा बड़ी भूल भुलैया थी, पर मैं एक और फ्लोर नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप लगे थे और ट्रैप को मुझे बार बार बंद करना था। ट्रैप को बंद करते करते मैं आगे बढ़ता हूँ और एक रूम मिलता है मुझे। रूम में पता नहीं ये कौन से वाले ब्लेज रॉड थे, यहाँ पे चेस्ट रहती है वैसे तो एक, और इसके आगे एक रूम होता है। ये रूम में पता नहीं कौन से बंदे मिलते हैं मुझे जो ब्लेज रॉड के सस्ते वाले भाई थे। इसके अंदर जो लोग होते हैं ना, आपको देख के अजीब लगेगा उन्हें, क्योंकि हड्डी फेंक के मारते हैं और ये थोड़े बहुत कमज़ोर होते हैं, पर इनमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ड्यूरेबिलिटी कम होती है, पर मार सकते हैं हमें इजीली। यहाँ पे बहुत सारे इनके स्पॉनर थे तो स्पॉनर तोड़ता हूँ मैं, और ये बंदे बहुत सारे थे अंदर तो मैं बार बार मरते मरते बचाता। पर कोई बात नहीं, आखिरी 2-3 बंदे बच चुके थे तो इन्हें मार देता हूँ। और आगे वाले रूम से थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, खैर इनका चेस्ट में लूटता हूँ और उसमें एक और टोटम ऑफ अनडाइंग मिलता है। मतलब टोटम को तो मजाक बना के रख दी है, वैसे यार ये बहुत खतरनाक जगह भी है ना। और यहाँ पे मुझे मिल जाती है मम्मी की कब्र। ये वही फेरो या ममीज़ है जिन्हें ये साइंटिस्ट ने ज़िंदा कर दिया था और इनको कवर में बंद करके रखा था। जो भी इनके कवर को खोलेगा ये फेरो उनके पीछे पड़ जाएंगे। ये पता नहीं कौन सा फेरो था, इसका नाम भी पढ़ने में मुझे अजीब लग रहा था, पर मुझे क्या इनको मारने से मतलब है यार, ये बहुत डेंजर था। पर इसे मैं थोड़ा सा हार्ड पड़ता है मारने पर थोड़े समय बाद में ये ईजी पड़ जाता है, थोड़ी देर अटक जाता है कहीं कहीं पर,
तो इसे मारना इजी था, तो मैं पटापट से इसको मार के ख़त्म करता हूँ। लेकिन इसे मारने पे एक ही प्रॉब्लम थी, ये बार बार ममीज को स्पॉन करता था। लेकिन एक आखिरी हिट के बाद ये फेरो मर ही जाता है। फेरो से तो कुछ भी नहीं मिलता है मुझे, पर इसके कवर के अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें थी जो मैं लूट लेता हूँ। एक गोल्डन डेट मिलता है मुझे, मैं खा लेता हूँ। और इसके अंदर बहुत सी अच्छी पूरे सेट था इसका, जो सेट ऑफ आ रहा था, रा बोलो कुछ भी बोलो मुझे पता नहीं, मुझे पहनने से मतलब यार दिखने में कितना डेंजर है ये। तो जैसे ही फेरो की मौत होती है तो टेंपल टूटने लग जाता है। और टेंपल जैसे टूटता है, भाई हमको मरना नहीं है, तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। और मेरे पास जो हथियार है यार सही में ज़्यादा ही ओपी है, तो मैं पूरे आर्मर को लेके घर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मुझे आर्मर को भी एनचेंट करना था। मैं अपने डॉगी को आर्मर दिखाता हूँ और अपने सोल्जर्स को, पर उनका रिस्पांस कुछ भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, मैं जितने भी वेट थे मेरे उग चुके थे, तो मैं वेट को तोड़ लेता हूँ। और मेरे पास अब खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है, और अब मेरा वेट फार्म बहुत ही बड़ा हो चुका था। अब मेरे पास में खाने की सही में कमी नहीं होने वाली है, मैं 3-4 लोगों को पाल सकता हूँ। जैसे ही मैं सोता हूँ और उठता हूँ, तो मुझे एक बहुत ही ख़तरनाक आइडिया आता है। वो आइडिया ऐसा था कि मेरे बेस के आजू बाजू ये जो जितने भी लीडर्स थे इनके, और जितने भी बारबेरियंस थे, ये बार बार आते हैं, तो इनको मारने का एक ही तरीका था, लावा ट्रैप। तो बहुत सारे लावा बकेट में बना लेता हूँ, जितने भी आ रहे थे मुझे वेस्ट करने पड़े लावा बकेट बनाने में। और अपने बेस के आजू बाजू 2-3 ब्लॉक डीप में अपना होल कर लेता हूँ एक बहुत भयंकर वाला, और यहाँ पर लावा डालने वाला हूँ मैं। लावा के साथ ट्रैप डोर डालूंगा। ये सब काम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पर ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ थी, मुझे पहले कर लेना चाहिए था। और अगर आप इस वीडियो में 25,000 लाइक कर देते हो, तो मैं इसी को रेडस्टोन के साथ बनाऊंगा ऑटोमेटिक वाला, साथ में हॉपर लगा दूंगा ताकि मुझे इनकी चीज़ें मिलती रहें। तो अब मेरा जो बेस है ना यार, सही में लग रहा है बहुत ख़तरनाक। इन लोगों को भी आने में एक बार सोचना पड़ेगा कि मतलब मर ही सकते हैं ना ये लोग, क्यों आएंगे। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म होता है, तो मुझे बार बार ये पूरे सैंड हटाने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा पॉन्ड बनाने वाला था। जितने मेरे सोल्जर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा वॉर में हिस्सा लिए थे, और कितने लोगों का खून बहाया इन लोगों ने, पर इनको भी शांति की ज़रूरत है। तो इनके लिए मैं एकदम प्यारा सा पॉन्ड बना लेता हूँ, जितना हो सकता है मैं अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था इसे, और वैसे दिखने में अच्छा ही है। और पता नहीं पानी देख के क्या होता है स्टोन वार्डन भाई को, तो इसके अंदर डुबकी लगा देते हैं। और स्टोन वार्डन भाई मर भी नहीं रहते, मतलब क्या पता इनको इधर ही रहना पसंद था। खैर कोई बात नहीं, हम किसी की प्राइवेसी को तोड़ेंगे नहीं। तो पॉन्ड तो बन गया, लेकिन मेरा जो एन्चेंटमेंट रूम था, इसको भी अच्छा बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म आते रहते हैं, तो मेरा जितना भी ज़मीन था ख़राब हो चुका था, तो मुझे जितनी भी एरिया है ढकने की ज़रूरत थी। तो मैं इसे ढकने की कोशिश करता हूँ, और मेरा एकदम अच्छा सा बेस बन जाता है। एक पॉन्ड है, पॉन्ड के बाजू में मेरा एन्चेंटमेंट रूम है, और मेरा डॉग भी बाजू में बैठा हुआ है। डॉग के लिए हाउस इसलिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि डॉग के लिए पूरा का पूरा हाउस है, मतलब आप समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आप लाइकिंग कंप्लीट करते हो 25,000 का, तो मैं डॉग के लिए एक बहुत ही अच्छा मेंशन बनाने वाला हूँ। अपने बेस को और भी डेंजर बनाने के लिए, जितने पाथवे बनाया था मैंने, उसके ठीक बाजू में मैं लावा डाल देता हूँ, और लावा के साथ ग्लास डाल देता हूँ। जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने गलती कर दिया। सैंड तो इसके ऊपर भी पड़ेंगे, तो मुझे इसके ऊपर भी एक ऐसा एक रूफ़ बनाना पड़ गया। और रूफ़ बनाना बहुत ही अच्छी बात थी मेरे लिए, क्योंकि रूफ़ और भी अच्छा दिख रहा था। तो रूफ़ को मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ, और पूरा बेस मेरा लगभग कंप्लीट हो जाता है, और देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा था, भरा हुआ एकदम और परफेक्ट। पर ये मेरे बेस की तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बनाना बचा है। तो मैं जो रा सेट था इसको कंप्लीट कर देता हूँ, और इसमें अच्छे अच्छे मुझे चीज़ें मिल रही थी, जैसे प्रोटेक्शन, और सब में प्रोटेक्शन मिल जाता है मुझे, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये सेट की एक खासियत है, मैं फायर प्रोटेक्टेड पहले से ही हूँ, मतलब मुझे कोई भी लावा और फायर से डैमेज मिलने नहीं वाला है। जितना हो सकता है मैं आर्मर को अच्छा बना लेता हूँ, और इसको पूरा पहन लेता हूँ। और इसके बाद देखो यार मेरा लुक, मतलब यार मैं तो भगवान ही दिख रहा हूँ इसमें, इंसान भी नहीं दिख रहा हूँ। तो मैं डॉगी यार मेरा सैंड में भर चुका था, तो इसको निकालना ज़रूरी था सैंड से। और मैं निकल जाता हूँ और लोगों को मारने के लिए, खास करके एक और फेरो को। मैं देखना चाहता था कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। तो मैं एक और पिरामिड में पहुँचता हूँ बहुत दिनों बाद, और ये पिरामिड यार थोड़ा सा ओपन में था, तो अच्छी बात है। ये मम्मी इसमें कुछ भी दम नहीं था अभी, इनको ईजिली मार देता हूँ मैं, और इनके चेस्ट वगैरह लूट लेता हूँ। और ये भूत भूत आ जाते हैं यहाँ पर, तो यार और भी बेकार बात है। खैर कोई बात नहीं, भूत को मार देता हूँ मैं। और एक बारबेरियन आता है, तो पता नहीं क्यों आया बेचारा अकेला अपने झुंड से भटक के। खैर फेरोस को तो मारना ही है, पर वो जेंटलमैन को मारना है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ये जो सेंटर का चेस्ट था, ये हमेशा अच्छा होता है, मैंने आपको बताया था। तो इस बार मुझे बहुत सारे गोल्डन डेट मिलते हैं, और इस बार मुझे पता था मुझे क्या क्या करना है। तो मैं दरवाजे खोलता हूँ जल्दी से, और मुझे साइंटिस्ट दिख जाता है। और ये साइंटिस्ट पागल हो चुका था, मतलब शायद इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो ये किसी को बता भी नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर और कोई है भी तो नहीं सुनने वाला इसकी। तो मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें फेंकना चालू करता है, जैसे कि पॉइजन वाला पोशन। पर मैं क्या करूँ, इसे मारना ज़रूरी था मुझे, ये लगभग मुझे मार ही चुका था।
लेकिन जैसे मैं इसे मारता हूँ और इसके बेस में घुसता हूँ, मतलब इसके रूम में, शायद इसने अपना रूम हड़प लिया था, तो इसमें बहुत सारे मुझे पोशंस मिलते हैं। और यहाँ पे मैं फिर से एक फेरो को ज़िंदा कर देता हूँ। ये फेरो थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हो चुका था क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट ने अभी अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो ये फेरो का नाम भी बहुत ही डेंजर था क्योंकि ये हिस्ट्री से और तब ऐसे ही नाम होते थे शायद एंशियंट इजिप्ट में। और एक आखिरी हिट के साथ में मैं इस फेरो को ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन अब फिर से पिरामिड गिरने लग गया था तो मुझे यहाँ से निकलना ज़रूरी समझा मैंने। और इसको मारने के बाद में मुझे एक चीज़ मिलती है, इसका मतलब मुझे अभी तक नहीं समझा, लेकिन इसका आर्मर भी मिल जाता है मुझे। ये आर्मर लेके मैं निकल लेता हूँ और ये आर्मर का सेट कम्प्लीट हो चुका है। आर्मर को लेके मुझे घर पहुँचना था और मेरा जो राव वाला आर्मर है वो भी टूटने वाला था, मतलब मुझे ये चेंज करना ही पड़ा। खैर मैं अपने आर्मर को और जितने भी कीमती चीज़ें थी, ये मम्मी का टोम लेके आया था मैं, तो इसे मैं इसके अंदर रख देता हूँ सारे कीमती सामान को। और गोल्डन डेट को मैं अपने साथ रखता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और ये वाले आर्मर को देखो यार, ये पिछले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक है और इसकी भी बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं। तो मैं जल्दी से एन्चेंटमेंट करता हूँ पूरे के पूरे, और मुझे इसमें भी अच्छे अच्छे प्रोटेक्शन के सेट मिल ही चुके थे, मैं पूरे प्रोटेक्शन आर्मर बना लेता हूँ। और इसकी खासियत बात यह है कि इसमें एक नहीं दो तीन खासियत चीज़ें हैं, जैसे कि ये स्पीड बहुत होता है। डे 96 को मैं एक एडवेंचर पे निकलता हूँ, पर मुझे डे 99 लग जाता है, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं एक जिराफ के टोम को ढूंढने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही डेंजर बॉस है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लिखी थी और शायद ये गालियाँ लिखी थी हमारे लिए, पर मैंने इसको पढ़ा नहीं। आइडल ऑफ लेबर मिलता है, मुझे पता नहीं क्या काम का ये। और फिर से एक टोटम मिलता है, टोटम का तो इन लोगों ने मजाक बना दिया। और जैसे मैं अंदर जाता हूँ तो एक फेरोस वॉटनट होता है। अब इसका नाम मैंने सही लिया कि नहीं पता नहीं, पर ये बहुत ही डेंजर है, इसको एरो का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन इसके पीठ में एक तलवार घुसी हुई थी तो मैं समझ चुका था ये भाई गरीब है, इसको मारना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर इसने एक हिट दे दिया तो हम लोग लगभग मर सकते हैं, पर जैसे ही मैं इसके पीठ में मारता हूँ तो आधे ज़्यादा इसकी हेल्थ चले जाती है। मतलब मैं समझ चुका था भाई ये बच्चा है अभी। मैं एक बार हिट खा के देखता हूँ इसका, और सही में इसकी मैं दम तो था वैसे, लेकिन इस बेचारे की एक कमज़ोरी होती है और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता हूँ मैं और इसके पीठ में तलवार मार देता हूँ और ये बेचारा मर जाता है। इसका आर्मर सेट मिलता है मुझे और इसी के साथ 100 डेज भी हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगा पता नहीं, लेकिन ये आर्मर तो बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो कैसा है जल्दी कमेंट में बताओ यार। बहुत मेहनत लग गई इसको बनाने में, 30 घंटे से ज़्यादा लग गए, मतलब आप समझ ही सकते हो। और मैं अभी कंसिस्टेंसी में ध्यान दे रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी वीडियो आने वाले एकदम अमेजिंग से। सो गाइस टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल। और अगर और अमेजिंग 100 डेज की वीडियो देखने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो आपके सामने।